नेक्स्ट जो है इंसर्ट टैब में ग्रुप आता है हमारा लिंक्स का। लिंक्स ग्रुप में आपको ये कमांड्स दिखाई दे रही हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। तो हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, बुकमार्क बना सकते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस लगा सकते हैं। तो हाइपरलिंक मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है, लिंक एक क्रिएट करने के लिए किसी भी पेज का जिसके साथ पेज अटैच हो, उससे उस लिंक से आप जो है उस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कमांड को देखते हैं। तो जैसे ही मैं हाइपरलिंक पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। इसमें जो है मुझे हाइपरलिंक का एड्रेस देना है, उस पेज का एड्रेस देना है जो मुझे लिंक क्रिएट करना है उसके साथ। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करती हूँ, जैसे डेस्कटॉप पे मेरी एक फ़ाइल पड़ी है, मैं उसका लिंक बनाना चाहती हूँ। तो ये देखिए एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर फाइल का नाम है और हमने यहाँ पे एड्रेस दे दिया है और हम ओके करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो है हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। तो हाइपरलिंक पे जैसे ही हम लिंक पे जो है इसके ऊपर ले जाते हैं कर्सर को, तो कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक आ रहा है। तो कंट्रोल पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो ये हैंड आ जाएगा और यहाँ से मैं उस फाइल को डायरेक्टली ओपन कर सकती हूँ। ये देखिए करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है फाइल ओपन हो गई है। इस हाइपरलिंक का जो है हम नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये एड्रेस दिया हुआ है हमें इसका नेम चेंज करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एडिट ऑप्शन पे जाएंगे, एडिट हाइपरलिंक, एडिट हाइपरलिंक में जाके इस जो है एड्रेस की जगह हमें जो है नेम टाइप कर देना है। हम जैसे फाइल का नाम ही देना चाहते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ओके करेंगे तो ये देखिए उस एड्रेस की जगह जो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा। फिर उसके बाद वैसे ही कंट्रोल क्लिक किया और इससे जो है हम उस फाइल को ओपन कर पाते हैं। इस हाइपरलिंक से जो है ये जो पेज मेरा ओपन हो जाएगा, ये फाइल जो है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर की ये फाइल ओपन हो जाती है। इस तरह से हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लिंक्स में बुकमार्क का। बुकमार्क किस लिए यूज़ किया जाता है, बुकमार्क में हम जैसे ये एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की फ़ाइल मैंने खोली थी, जैसे इसमें मुझे कोई भी किसी भी पेज का बुकमार्क ऐड करना है, जैसे मैं दोबारा से दो पेज पढ़ लिए हैं, मैं तीसरे पेज से ही उसे स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैं इसमें बुकमार्क बना देती हूँ। और बुकमार्क क्रिएट करने के बाद जो है डायरेक्टली जो बुकमार्क होता है वहीं से ही उस डॉक्यूमेंट को मैं एक्सेस कर पाती हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले वो फाइल ओपन करती हूँ, इस लिंक से ही हम वो फाइल ओपन कर लेते हैं और मैं इस पे बुकमार्क बनाना चाहती हूँ। तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगी और यहाँ पे बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। ये देखिए पहले मैंने जैसे दो बुकमार्क बनाए हुए हैं, ABC करेक्टरिस्टिक्स, मैं एक नया बुकमार्क को और ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जो है ये बुकमार्क किया हुआ है कि मैं सेकंड पेज पे इसको सीधा एक्सेस कर पाऊँ डॉक्यूमेंट को। फिर उसके बाद मैं रिलायबिलिटी को बुकमार्क बना लेती हूँ। मान लो इसे पहले हम हाईलाइट कर देते हैं होम टैब में हाईलाइटर से और इसे येलो कर देते हैं, ठीक है। फिर इसे बुकमार्क क्रिएट करते हैं, इसका इंसर्ट टैब में जाके बुकमार्क और ऐड करती हूँ यहाँ पे मैं रिलायबिलिटी। ये ऐड हो गया है अब ये बुकमार्क। अब ये देखिए मैं डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाती हूँ और मैं वापस से जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट अगर मैं क्लोज भी कर देती हूँ और दोबारा से मैं ये डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहती हूँ, इसे सेव कर देंगे। अब जैसे मान लो इस फाइल पे गए और ये दोबारा से मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया और अब मैं फिर से वही इंसर्ट में बुकमार्क पे जाऊंगी और बुकमार्क में देखिए ABC रिलायबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स मैंने तीन बुकमार्क बनाए हुए हैं। जिस भी बुकमार्क पे मैं जाऊंगी मैं वहां से ही उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाती हूँ। जैसे पहले मैं ABC से करती हूँ, ABC में मैंने बुकमार्क बनाया था, तो जैसे ही मैं इसमें गो टू पे जाऊंगी तो ये देखिए सीधा जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा। अगेन हम दूसरा जो है प्रेस करते हैं, जैसे रिलायबिलिटी बनाया अब मैंने आपके सामने, रिलायबिलिटी पे क्लिक करते हैं और गो टू जाते हैं तो ये देखिए रिलायबिलिटी पे डायरेक्टली हम उस पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम बुकमार्क क्रिएट कर देते हैं और उस डॉक्यूमेंट को वहीं से एक्सेस कर पाते हैं। बुकमार्क इसलिए यूज़ किया जाता है। फिर तीसरा ऑप्शन आता है इसमें क्रॉस रेफरेंसेस।
क्रॉस रेफरेंसेस हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बेटा रेफरेंस टैब है इसकी एक्सप्लेन में बताऊंगी। तो जब मैं रेफरेंस टैब करवाऊंगी तब मैं इसको आपके इसकी कमांड्स को एक्सप्लेन में आप जो है आपके सामने क्लियर करूंगी, आपको एक्सप्लेन में बताऊंगी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। एक बार नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा हेडर एंड फुटर का। आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर, फुटर और पेज नंबर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडर क्रिएट करने के लिए हमें हेडर पे क्लिक करना है। हेडर को जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें एडिट हेडर के ऑप्शन से भी आप जो है इसमें हेडर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एडिट हेडर में जाएंगे और यहाँ पर मैं हेडर जैसे डालती हूँ, ये देखिए जैसे मैंने हेडर क्रिएट किया तो ये देखिए मैंने एक पेज पे आपको हेडर क्रिएट किया था। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट में दो पेज हैं तो ये देखिए दोनों पेज पे हेडर आ जाएगा गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे भी जो है गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा इस तरह से आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट हम फुटर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सेम यही वे है। इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो है हेडर एंड फुटर वाले ग्रुप में आपको फुटर पे क्लिक करके आप एडिट फुटर पे जाइए। एडिट फुटर पे जैसे ही आप जाते हैं तो ये देखिए नीचे फुटर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी जैसे लिखती हूँ इस तरह से जो है मेरे डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर ये देखिए ये क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर दोनों क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पेज नंबर, फुटर के साथ जैसे पेज नंबर भी आपको क्रिएट करना है तो पेज नंबर के लिए जो है इसी में ही पेज नंबर का आता है। यहाँ से टॉप टू पेज आपको पेज नंबर टॉप पे देना है या बॉटम टू पेज आपने कहाँ पे देना है, पेज मार्जिन है, करंट पोजिशन क्या है पेज की, फॉर्मेट पेज नंबर आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं टॉप पे देना चाहती हूँ या बॉटम पे देना चाहती हूँ तो मैं बॉटम पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से सेव सिलेक्शन एज पेज ओके। इस तरह से जो है दोबारा देखते हैं एक बार, पेज नंबर पे क्लिक करूँगी और जो है बॉटम टू पेज पे ये देखिए 1 2 इस तरह से जो है हम नंबर दे सकते हैं। इसी तरह जो मान लो अगर मुझे उसमें टॉप पे देना है पेज नंबर तो वापस मैं उसमें पेज नंबर पे जाऊंगी और जो है टॉप टू पेज पे क्लिक करूंगी और इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए टॉप पे आ जाएगा, बॉटम पे भी हमने फिक्स किया था और इस तरह से टॉप पे भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है पेज के टॉप पे है, बॉटम पे है, पेज नंबर डाल सकते हैं और हेडर एंड फुटर आसानी से अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंसर्ट टैब में ग्रुप आता है टेक्स्ट ग्रुप, इसमें ये डिफरेंट कमांड्स दी हुई है, हम इन कमांड्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन चूज़ करते हैं। जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स दिए हुए हैं। हम यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स जो है सेलेक्ट कर सकते हैं या हम खुद का टेक्स्ट बॉक्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं। आप कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इनमें से किसी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये देखिए यही इसी डिज़ाइन का जो है टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा और उसमें हम जो है कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं एंटर कर रही हूँ बड़ा होता जा रहा है। इसमें आप कलर भी वो फिल कर सकते हैं क्योंकि इसको जैसे मैंने सेलेक्ट करके तो फॉर्मेट ऑप्शन जो है इसके अपीयर हो जाता है और हम इसमें
डिफरेंट जो है कलर भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं ये वाला कलर देना चाहती हूँ, तो इस तरह से आप जो है इसमें कर सकते हो। एक तो ये जो है ऑप्शन होता है, दूसरा जो ऑप्शन इसका ये है, इंसर्ट में वापस से हम टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और हमें ये वाले नहीं चाहिए, इनमें से कोई भी हम अपना ड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे ही ड्रॉ पे जाएंगे तो हम अपना टेक्स्ट बॉक्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसमें जो है टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, उसके कलर को जो है अपनी जो भी हमें कलर चाहिए वो कर सकते हैं, शेप्स फिल कर सकते हैं, शेप आउटलाइन कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हो और उसमें टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। फिर जो है ले लेते हैं नेक्स्ट पेज, ले लेते हैं इसमें ब्लैंक पेज, और उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स मेनली हम किस लिए यूज करते हैं? क्विक पार्ट्स में आपको ये देखिए, ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, फील्ड है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर है, गेट मोर ऑन ऑफिस ऑनलाइन है, या सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स। जो भी पार्ट्स हमें बार बार से ना लिखना पड़े डॉक्यूमेंट का, उसे हम जो है नेक्स्ट में कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए हमें जो है वो क्विक पार्ट्स होता है डॉक्यूमेंट का, वो सबसे पहले सेव करना पड़ता है। जैसे मैं इसमें डॉक्यूमेंट में कुछ एक टाइप करती हूँ, इसके साइज को बड़ा करते हैं, होम टैब में जाके इसका फॉन्ट जो है बड़ा कर लेते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स में बार बार, जैसे रिस्पेक्टेड सर वर्ड है, ये बार बार से लाना चाहती हूँ और मुझे टाइप ना करना पड़े, इसके लिए उसमें मैं इंसर्ट ऑप्शन में जाऊँगी, क्विक पार्ट्स पे क्लिक करूँगी, सबसे पहले इसे सेव कर लूँगी, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, रिस्पेक्टेड सर जैसे वर्ड जो है ओके, तो ये जो इसमें सेव हो जाएगा। अब ये देखिए, रिस्पेक्टेड सर दिस इज कंप्यूटर क्लास। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए ये वाला, हम क्विक पार्ट में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बार बार से आता जाएगा, ये देखिए इस तरह। अब मुझे मान लो मैं यहाँ पे दोबारा से जाके एक और ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेती हूँ, न्यू, और फिर इंसर्ट टैब में जाती हूँ और वापस से जो है क्विक पार्ट्स पे क्लिक करती हूँ और ये देखिए ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा। तो क्विक पार्ट्स का मेनली हम किस लिए यूज करते हैं? कोई भी टेक्स्ट जो है हमें बार बार से चाहिए होता है, उसे हम बार बार टाइप नहीं करना चाहते, तो हम उसका क्विक पार्ट्स जो है गैलरी में सेव कर लेते हैं और उसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, विद इन द डॉक्यूमेंट, आउटसाइड द अनदर डॉक्यूमेंट भी उसे आसानी से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से जो है हम अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव कर सकते हैं। जैसे अब ये रिस्पेक्टेड सर दिस इज़ कंप्यूटर क्लास जो है सिंपल लिखा हुआ है, इसे मुझे
जो है थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो वर्ड आर्ट पे मैं क्लिक करूँगी, और इसमें से जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करूँगी वैसे ही ये आ जाएगा रिस्पेक्ट। इसके अलावा जो है आप यहाँ से भी जो है इसको चेंज कर सकते हो, इसके शेप्स जो है फिल कर सकते हो, जैसे यहाँ से मुझे कलर चेंज करना है यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकती हूँ। इसी तरह ही जो है आउटलाइन इसकी मुझे और कलर की लेनी है, इसके ऊपर जैसे ब्लू कलर की आउटलाइन लेना चाहती हूँ तो ये आ जाएगी। चेंज शेप भी कर सकती हूँ या शेडोज़ भी दे सकती हूँ डिफरेंट टाइप के, जैसे ये देखिए इस तरह से ये शेडो इस तरह से। तो आप जो है वर्ड आर्ट को आसानी से यूज़ कर सकते हो और अपने जो है टेक्स्ट को जो है आसानी से अट्रैक्टिव बना सकते हो। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, आपने देखा होगा नॉवेल्स पढ़ते हो, तो जो उसका फर्स्ट लेटर, जैसे ये इसमें दिखाया भी हुआ है, ये जैसे फर्स्ट लेटर जो है इसमें ए जो है इनलार्ज आ रहा है, तो इस तरह से फर्स्ट लेटर को हम इनलार्ज करते हैं। इसके लिए जैसे मैं कोई भी पैराग्राफ आपके लिए पहले इसमें लाती हूँ डॉक्यूमेंट में, यहाँ से हम कोई भी फाइल है जैसे उसका पैराग्राफ ले लेते हैं, अब ये देखिए यहाँ से ड्रॉप कैप, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे ड्रॉप कैप पे जाऊँगी और ड्रॉप्ड, ये देखिए तो फर्स्ट लेटर इसका इनलार्ज हो जाएगा, ये ड्रॉप, ये इस तरह से ड्रॉप कैप ऑप्शन काम करता है। हम फर्स्ट लेटर को अपने जो पैराग्राफ होता है उसके फर्स्ट लेक्चर टेक्स्ट को इनलार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये इन मार्जिन भी कर सकते हैं हम, जो हमारा मार्जिन है हमारे पेज का उससे बाहर आए, या विदाउट मार्जिन भी इसको सेट कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, आप उससे इस ऑप्शन को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारा सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ही हम किसी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करते हैं तो नेम लिखते हैं उसके ऊपर एक लाइन आती है, और उसके ऊपर जो हमारे सिग्नेचर होते हैं तो उस सिग्नेचर लाइन के लिए ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऐड सिग्नेचर सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, जैसे सजेस्टेड सिग्नेचर, तो नाम देना है मुझे, मैं यहाँ पे देती हूँ यहाँ पे, फिर सिग्नेचर टाइटल मांग रहा है, इसमें भी मैं राज फिल कर देती हूँ, ईमेल एड्रेस मांग रहा है, इस तरह से इसमें फिल करके और यहाँ पे ओके करती हूँ, इसे अलाउ करके। तो ये देखिए इस तरह से सिग्नेचर लाइन जो है डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाती है। नीचे जैसे राजसिहाग है, राज आ गया, यहाँ पे भी हम राजसिहाग भी लिख सकते थे पूरा, और यहाँ पे जो है जो सिग्नेचर जिसने जिसके साइन होने हैं वहाँ पे वो आसानी से सिग्नेचर करता है। तो ये सिग्नेचर लाइन जो है डॉक्यूमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, हम डेट एंड टाइम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे इधर इस डॉक्यूमेंट में मुझे डेट एंड टाइम करना है तो मैं डेट एंड टाइम के ऑप्शन में जाऊंगी, और जैसे आज मई 31 जो है डिफरेंट डेट के जो ये फॉर्मेट दिए हुए हैं, जैसे मैं इसको चूज़ करती हूँ और ओके करती हूँ, तो ये देखिए इस तरह से ये डेट एंटर हो जाएगी, मई 31
जो है 2020 इस तरह से डेट एंड टाइम जो है हम अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से ऐड कर सकते हैं। या फिर आप जो है यहाँ से अपडेट ऑटोमेटिकली करना है तो इस पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे अपडेट ऑटोमेटिकली, तो जिस भी डेट को आप ये डॉक्यूमेंट खोलोगे तो वो डेट अपने आप अपडेट होती रहेगी, आपको बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन इस ग्रुप में आता है टेक्स्ट ग्रुप में ऑब्जेक्ट का, कि आप अपने डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट पे जाना है, या तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, आप किसी फाइल से टेक्स्ट ले सकते हैं, या इसमें ये होता है ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, आप जो है ऑब्जेक्ट में जो है ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है ये आपके सामने जो है डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, आप इसमें से कोई भी आप पावर पॉइंट में बनाना चाहते हैं, ग्राफ चार्ट में बनाना चाहते हैं, जिसमें ऑप्शन में आप जो है इसको क्रिएट करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट है, पैकेज है, ये आपके सामने ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से आसानी से जो है अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑफिस पावर पॉइंट स्लाइड लेती हूँ और ओके करती हूँ, तो यहाँ पे कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोई शेप्स ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से शेप्स ले लेती हूँ और इसमें इस तरह से शेप्स करती हूँ इसे। ये देखिए जैसे मैंने एंटर किया तो ये शेप जो है यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गई। इसी तरह आप पेंट में जाके भी किसी भी फाइल में जो फाइल उसमें सजेस्टेड थी उस डॉक्यूमेंट में, वहाँ से आप जो है इसमें जो भी ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही एंटर दबा दिया, यहाँ पे मैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके उसमें कुछ लिख भी सकती थी। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंटर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इंसर्ट टैब में सिंबल्स का ग्रुप आता है। सिंबल्स के ग्रुप में आप देख रहे हैं जैसे इक्वेशंस है, डिफरेंट इक्वेशंस आप अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हो, डिफरेंट सिंबल्स आप अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हो। जैसे इक्वेशंस में ये डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हैं, आप इनको जो है अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। देखिए इक्वेशन पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन मुझे करनी है मैं वो यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ आसानी से। ये देखिए इस तरह से सेव एज न्यू, प्रोफेशनल, लीनियर, चेंज टू इनलाइन, जस्टिफिकेशन, इसमें हम इस तरह से जो है ऐड कर सकते हैं जो भी इक्वेशन हमें चाहिए। इंसर्ट टैब में जाके इक्वेशन से हम आसानी से उसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह मुझे नई इक्वेशन लेनी है तो यहाँ पे जैसे ये वाली है, ये वाली है, जिस पे भी मैं क्लिक करूँगी तो वो इक्वेशन आ जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट में इक्वेशंस को ऐड करने के लिए हम इस कमांड को यूज़ करते हैं, इक्वेशंस। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स, जैसे सिग्मा है, डिफरेंट सिंबल्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए इस तरह से समीशन के लिए, या हमें कुछ और ऐड करना है हम ये ऐड कर सकते हैं। तो इक्वेशन और सिंबल्स जो है, डिफरेंट हमें इक्वेशंस चाहिए होती है, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं या ये सिंबल्स हैं, हम आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब का प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, सारी कमांड आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।